हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेल्स एंड आल्ता में। तो फिर से आ गई हूँ मैं एक नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में मैं नेल पेंट लगाने वाली हूँ अपने पैर के नाखूनों पर। तो दोस्तों, पैर के नाखूनों पर नेल पेंट लगाने के साथ साथ मैं आपको इसके फ़ायदे और जो साइड इफ़ेक्ट हैं उनके बारे में आपको बताऊँगी। नेल पेंट लगाने के क्या क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से हमें नेल पेंट लगानी चाहिए, और महंगी से महंगी नेल पेंट कौन सी है जो कि हम अभी अपने पैरों पर लगा रही हैं, ये तो आपको पता है कितने रुपए की हो सकती है। नहीं पता तो चलिए हम आपको बताते हैं, और साथ ही इस नेल पेंट को लगाते हैं और आपको समझाते हैं कि नेल पेंट कैसे लगाना चाहिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को पूरा देखना। इसके बाद में आप बताइएगा आपको वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और कोई भी सजेशन हो तो आप वीडियो में मुझे कमेंट के थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, हमें नाखूनों पर नेल पेंट लगाने से पहले बेस कोट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे नाखून पीले और ड्राई होने से बचते हैं, साथ ही नाखूनों की चमक भी फीकी नहीं पड़ेगी। ऐसे में बेस कोट लगाने से बाद इसे अच्छी तरह से सुखाएं और फिर नाखूनों पर नेल पेंट अप्लाई करें। दोस्तों, क्या आपको पता है नेल पॉलिश में कौन सा केमिकल मिलाया जाता है? नहीं पता ना, चलिए हम आपको बताते हैं। नेल पॉलिश या दूसरे किसी भी रंगीन सौंदर्य उत्पादन में फॉर्मेल्डिहाइड नामक एक केमिकल होता है। दोस्तों, वैसे तो हम सभी लेडीज जब भी मार्केट जाती हैं अपने मनपसंद कलर ढूंढकर ले आती हैं ढेरों नेल पेंट के, लेकिन क्या आपको पता है कि आपको सबसे अच्छा कौन सा आपके हाथों पैरों पर नेल पेंट कलर लगेगा? चलिए हम आपको बताते हैं ये भी। पीच और गोल्ड शेड आपके हाथों पर बेहतरीन लगेंगे, पर यह बात ध्यान रखें कि कुछ न्यूड कलर आपके नाखूनों पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। और दोस्तों, जैसे कि हम रोज़ नेल पेंट लगाते हैं तो हमें डर बना रहता है कि हमारे नेल्स कहीं ख़राब ना हो जाएं, तो आपको पता होना चाहिए कि नेल पॉलिश लगाने से आपके नाखूनों में बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन का खतरा कम रहता है, क्योंकि नेल पॉलिश के इंग्रेडिएंट के कारण आपके नाखून बैक्टीरिया से बचे रहते हैं। अधिकतर लोग नेल पॉलिश के नुकसान जानते हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से नेल पॉलिश के इंग्रेडिएंट्स में काफ़ी केमिकल की मात्रा होती थी, पर आज के दौर में नेल पॉलिश में भी विटामिन जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो आपके नाखूनों को बढ़ाने में मदद करते हैं। नेल पॉलिश हमारे नाखून को डैमेज होने से बचाती है, क्योंकि जिनके नाखून कमज़ोर और बहुत अधिक नाजुक होते हैं उनके लिए नेल पॉलिश एक प्रोटेक्शन का काम करती है। नेल पॉलिश की परत से आपके नाखून ज़्यादा जल्दी नहीं टूटते हैं। अगर हम खुद में कुछ अच्छे बदलाव करते हैं तो हमारा मन खुश रहता है, वैसे ही नेल पॉलिश भी हमारे मूड को बेहतर करती है, क्योंकि आप जानते हैं हाथों को अधिक सुंदर और आकर्षित बनाते हैं। साथ ही नेल पॉलिश लगाना या नेल आर्ट करने से हमारे दिमाग की क्रिएटिविटी बढ़ती है, जिसके कारण हमारा मन बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस करता है। दोस्तों, वैसे तो जो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ नेल पॉलिश, ये बहुत ज़्यादा सस्ती है, जैसे कि हम 10 या 15 रुपए में ख़रीदते हैं, लेकिन क्या आपको पता है सबसे महंगी नेल पॉलिश के बारे में? नहीं, वैसे दुनिया में बहुत सारी नेल पॉलिश हैं जिनके बहुत बहुत महंगे महंगे रेट हैं, लेकिन मैं आपको एक नेल पॉलिश के बारे में बताती हूँ। एजाटू नाम की एक ब्लैक नेल पॉलिश, जो कि इसको बनाने में 267 कैरेट ब्लैक डायमंड का इस्तेमाल किया गया है, जिससे करीब 2 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। एजाटू के एक ब्लैक नेल पॉलिश की बोतल 150 मिली। रिपोर्टर्स के कहना है कि ये इतनी महंगी नेल पॉलिश है कि अब तक सिर्फ 25 लोग ही इसे खरीद पाए हैं। अब बताइए आप लोग कितनी महंगी नेल पॉलिश लगाए हैं अपने हाथों पर, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।
दोस्तों जिन लोगों के नाखून बहुत ज़्यादा काले पड़ जाते हैं तो उनके लिए मैं थोड़ा सा एक बहुत ही बढ़िया सा घरेलू नुस्खा बता रही हूँ, आप आजमाइएगा, आपको बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों आपके पास नींबू घर में ही मिल जाएगा, नींबू की एक स्लाइस काट लें और उसमें थोड़ा सा चीनी मिला लें। अब इसको अपने नाखूनों पर रगड़ें और इसके बाद आप इसे रोज़ अपनी जहाँ पर नाखून काले हैं वहाँ पर लगाएं, जल्द ही इससे आराम मिलेगा। और आप और भी चीज़ें लगा सकते हैं जैसे कि कच्चा दूध और नींबू, आलू, नींबू तो मैंने बता ही दिया, आलू, आलू का जूस यानी टमाटर, एलोवेरा, तो ये सब चीज़ भी अगर आप लगाएंगे नाखूनों पर तो नाखून का कालापन बहुत ही जल्द दूर हो जाएगा, सही हो जाएगा। कई बार देखा जाए तो किसी किसी के नाखून बहुत ज़्यादा पीले हो जाते हैं, तो पीले नाखूनों के लिए क्या करना है, देखिए आपके घर में ना पानी तो हमेशा सभी के घरों में रहता है, आप थोड़ा सा पानी गर्म कर लीजिए, गुनगुना पानी कर लीजिए, इसमें एक नींबू का रस निचोड़ दीजिए, इसे अच्छे से मिक्स करके फिर अपने नाखूनों को इसमें 15 मिनट के लिए डुबो कर रख दें। इसके बाद में फाइलर की मदद से थोड़ा सा नाखूनों को हल्का सा साफ़ करें, करीबन 15 से 20 मिनट बाद साफ पानी से नाखूनों को धो लें। फिर इसके बाद में हाथों को अच्छे से पोंछ के अपना मनपसंद मॉइस्चराइजर नाखूनों पर लगा दें, इससे बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा आपको। आपके कई बार आपने देखा होगा बच्चे या बड़े किसी किसी को आदत होती है नाखून चबाने की, तो नेल पॉलिश लगाने के बाद आप इस आदत से काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप नाखून चबाते हैं तो आपको नेल पॉलिश का कड़वा स्वाद जब लगेगा ना, तब आप अपनी नेल पॉलिश को ख़राब नहीं कर पाएंगे और आपकी आदत। दोस्तों मेरे पास एक कुछ छोटी छोटी सी जानकारियां थी जो मैंने आपको बता दिया। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि आप घर पर नेल पॉलिश बनाना चाहते हैं, सोचिए आप नेल पॉलिश कैसे बनाएंगे, तो मैं आपको एक छोटा सा आइडिया बताती हूँ। दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको, नेल पॉलिश बनाने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी गुड़ की। गुड़ को एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, उसका थोड़ा सा बुरादा बना लें। इसके बाद इस पाउडर को एक कटोरे में रखने के बाद में थोड़ा सा बीच में जगह बनाएं और जहाँ पर जगह बची है उस जगह पर थोड़ी सी लौंग रख दें। इसके बाद ऊपर से एक कटोरी रखें और इसे गैस पर गर्म होने के लिए चढ़ा दें, धीरे धीरे ये गर्म होता जाएगा और आपकी नेल पॉलिश बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरह से आप घर पर नेल पॉलिश बना सकते हैं, नेल पॉलिश कहें या फिर मेहंदी कहें, तो बहुत ही अच्छी सी नेल पॉलिश बन जाती है। और दोस्तों पैरों में पायल किस तरह से पहननी चाहिए, कौन सी पायल पहननी चाहिए, इसकी वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दी हूँ, आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, और हमारी वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। To the last 10, I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed.